श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचरित्र अध्याय 26। श्री साई बाबा के उपदेश। सबके प्रति प्रेम भाव रखो, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दो, कटु वचन मत बोलो, सदैव परिश्रम करो, श्रम का मूल्य दो। सबके प्रति प्रेम भाव रखो। श्री साई बाबा सबके प्रति प्रेम भाव रखते थे। उनके साथ सभी जीव भी निर्भीकता से भोजन किया करते थे। वे अपने भक्तों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव रखो, किसी से अभद्रता का व्यवहार मत करो, क्योंकि कोई भी किसी के पास तभी जाता है तब उसका उससे किसी न किसी जन्म का नाता रहता है। इसलिए जब भी कोई पास आए तो उसका स्वागत करो, आदर करो। प्यासे को जल, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र, आंगतुक को दलान में विश्राम करने देना चाहिए। वे कहते थे कि यदि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न होकर कृपा करेंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य की याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की नहीं है तो उसे धन मत दो, लेकिन इसी बात को लेकर उसके साथ अभद्रता का व्यवहार मत करो। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे तब भी तुम उस पर क्रोध मत करो। यदि ऐसा व्यवहार करोगे तो सदैव सुखी रहोगे। भले ही संसार उथल पुथल हो जाए लेकिन तुम स्थिर रहो। जो कुछ हो रहा है उसे केवल देखते रहो। तुम द्वैत भाव या भेद वृत्ति को त्याग दो। भेद वृत्ति से गुरु शिष्य में भी पृथकत्व आ जाता है। अल्लाह मालिक है, वही सबको संरक्षण देने वाला है। उसकी कार्य प्रणाली कल्पना से भी परे है। संबंधों का कारण एक दूसरे पर एक दूसरे का ऋण शेष होना होता है, इसलिए परस्पर संबंध बनते हैं। अतः परस्पर प्रेम भाव रखकर एक दूसरे की सेवा करते हुए सदैव संतुष्ट रहो और साथ ही परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास करते रहो। जिससे अपने लक्ष्य को पा लिया वही सुखी है। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दो। श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देने की बात कहा करते थे। वे कहते थे कि प्रेम व भक्ति पूर्ण भाव से ईश्वर की शरण लेने पर ईश्वर विभिन्न अवसरों पर हमारी सहायता करते हैं। किसी संत का कहना था कि प्रातः समय यदि हृदय में उत्तम विचार आए तो दिन भर उसे याद रखो। इससे विवेक विकसित होता है और मन भी प्रफुल्लित रहता है। हेमांड पंत संत के इस विचार का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए शिरडी में अगले गुरुवार को सारे दिन नाम स्मरण व कीर्तन करने का निश्चय करके सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो उन्हें स्वतः ही राम के नाम का स्मरण हो आया, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे नित्य कर्म से निवृत्त हो कुछ पुष्प लेकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने गए। जब वे दक्षिणवाड़ा पार करके बूटीवाड़ा के पास से होकर जा रहे थे तब उन्हें मस्जिद की ओर से मधुर भजन की ध्वनि आती सुनाई पड़ी। एक नाथ जी का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय में बाबा के सामने गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा, जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वही पूरन कामा, एक जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। कटु वचन मत बोलो। एक बार की बात है कि एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में अन्य लोगों के सामने किसी को अपशब्द कह दिए। अपशब्द इतने बुरे थे कि सभी को घृणा हुई। प्राय ऐसा भी देखने में आया है कि बिना मतलब निंदा करने से विवाद ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन निंदक को सही मार्ग पर लाने की श्री साईं बाबा की प्रणाली बड़ी विचित्र थी। मध्य काल में जब बाबा की उस भक्त से भेंट हुई तब बाबा ने विष्ठा खाते एक सुअर की ओर संकेत करके उससे कहा कि देखो वह कितने प्रेम से विष्ठा खा रहा है। तुम लोगों को अपशब्द कहते हो, तुम्हारा ये आचरण विष्ठा खाते हुए सुअर जैसा ही है। शुभ कर्मों के कारण तुम्हें मानव शरीर मिला है, फिर भी तुम ऐसा आचरण करोगे तो क्या शिरडी तुम्हारी कोई मदद कर पाएगी। वह भक्त उसी समय उपदेश को मानकर वहां से चला गया। सदैव परिश्रम करो। श्री साईं बाबा स्वयं परिश्रम किया करते थे। वे पेड़ पौधे में पानी स्वयं दिया करते थे। वे सबको भी परिश्रम का महत्व समझाते हुए सदैव परिश्रम करने के लिए कहा करते थे। वे कहते थे कि यदि परिश्रम किया जाए तो देह की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यदि कोई आलस्य करे तो उसका आध्यात्मिक उत्थान कभी नहीं हो सकता। वे कहते थे कि भव चक्र से मुक्त होने के लिए शांत व स्थिर होकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। परिश्रम करने की दृष्टि से ही श्री साईं बाबा किसी को अपनी शरण में आने को कहते थे तो किसी को लीला श्रवण व मनन करने को कहते थे।
किसी को भगवत भजन करने को कहते थे तो किसी को अध्यात्म रामायण या ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ पढ़ने को कहते थे। किसी को वे अपने चरणों में रखते थे तो किसी को खंडोबा मंदिर भेजते थे। उनके उपदेश असीमित थे। उन्होंने कईयों को प्रत्यक्ष में तो कईयों को स्वप्न में भी उपदेश दिए। एक बार की बात है कि वे एक मदिरा प्रेमी के स्वप्न में उसकी छाती पर बैठ गए। जब उस व्यक्ति ने मदिरा त्यागने की शपथ ली तभी उसे छोड़ा। उन्होंने कईयों को स्वप्न में मंत्र का अर्थ समझाया तो हठ योगियों को हठ छोड़ने को कहा। श्रम का मूल्य दो। एक बार की बात है कि बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर में पास खड़े होकर एक भक्त से सीढ़ी लाने को कहा। भक्त सीढ़ी ले आया। तब बाबा ने उसे वामन गोंद करके घर पर उससे लगवाया और स्वयं उस पर चढ़कर राधा कृष्ण माई के छप्पर से होकर दूसरे किनारे से नीचे उतर आए। बाबा का यह कृत्य किसी के समझ में नहीं आया। दरअसल उस समय राधा कृष्ण माई को तेज ज्वर था, संभवतः इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। नीचे उतरकर बाबा ने सीढ़ी लाने वाले को पारिश्रमिक के रूप में 2 रुपए दिए। तब एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया कि इतने ज्यादा पैसे देने का क्या अर्थ है। तब बाबा ने कहा कि किसी से भी बिना मूल्य दिए श्रम नहीं कराना चाहिए। श्रमकर्ता को तुरंत उदार हृदय से पारिश्रमिक देना चाहिए। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 27 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी को कटु वचन ना बोलिए और किसी का दिल ना दुखाइए। श्रद्धा सबूरी रखिए। ओम साई राम। ओम साई राम।